यहाँ पे रिएक्शंस रिएक्शंस की भागदौड़ पढ़नी है हमने, फिर हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आपने स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे निकालनी है, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड कैसे निकालनी है। आप देख रहे थे कि रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रहे थे, प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे थे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे कितने टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो स्पीड ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी, ठीक है, वो लास्ट के वाले वीडियो में आप देख सकते हो अगर आपने फिर से रिवाइज करना होगा तो। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटली रीडिंग वाला टॉपिक है, रीड करके ही ये सब आ जाएगा। मैंने हेडिंग्स यहां पे लिख दी है। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी टॉपिक से हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, बाकी यहां पे समझा दूंगा और स्टडी मटेरियल से आप देख लोगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसेस हैं। अगर सॉलिड सॉलिड रिएक्टेंट होंगे वो तो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में, कम से कम एक को तो लिक्विड होना ही पड़ेगा। सॉलिड सॉलिड रिएक्टेंट तो कभी रिएक्शन नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं या गैसेस हैं, उस पर रिएक्शन की स्पीड काफी हद तक डिपेंड करेगी। जैसे मैं भी कह रहा था आपको, सॉलिड सॉलिड रिएक्टेंट तो आपस में कभी रिएक्ट हो ही नहीं पाएंगे, कम से कम एक चीज तो लिक्विड चाहिए। लिक्विड लिक्विड रिएक्टेंट आपस में अच्छे से रिएक्ट हो सकते हैं, ठीक है। गैसेस गैसेस की भी रिएक्शन इजिली हो सकती है क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है, लेकिन उनके आपस में कॉन्टेक्ट में आने के लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रेशर वाला फैक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, सॉलिड है लिक्विड है या गैसेस हैं। सॉलिड सॉलिड की कोई रिएक्शन नहीं होगी, कम से कम एक रिएक्टेंट लिक्विड चाहिए, और अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड रिएक्टेंट है तो सॉलिड को पाउडर फॉर्म में ले लो पीस के अच्छे से। बड़े बड़े सॉलिड सब्सटेंस की रिएक्शन फिर से स्लो होगी। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि रिएक्टेंट का नेचर कैसे किस हद तक जो है वो रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट ले लो, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, शुगर प्लस वाटर। सपोज करो शुगर प्लस वाटर की एक रिएक्शन, शुगर प्लस वाटर रिएक्टेंट है और वो आपस में बना रहे हैं स्वीट वाटर। क्या बना रहे हैं, स्वीट वाटर। सपोज करना, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन की एग्जांपल नहीं है, शुगर और वाटर आपस में रिएक्ट होके स्वीट वाटर बना रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस, ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि शुगर और वाटर रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्वीट वाटर है। शुगर को पीस के पाउडर फॉर्म में ले लोगे, डिजॉल्विंग फास्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो काफी हद तक मैं यही बोल रहा हूं कि रिएक्टेंट का नेचर जो है वो डिपेंड करता है, वो इफेक्ट करता है रिएक्शन की स्पीड, ठीक है। रीडिंग वाला पॉइंट है, आप पढ़ लेना आराम से इसको। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी काफी हद तक रिएक्शन की स्पीड जो है वो इफेक्ट करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन की डेफिनेशन यही है कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करनी है, न्यू बॉन्ड्स बनानी है। तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक कैसे करोगे, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी। आप स्कूल की केमिस्ट्री लैब की बात करो या घर की केमिस्ट्री लैब की बात करो, दोनों जगह पे आपने बर्नर रखे हुए हैं हीट करने के लिए, केमिस्ट्री की रिएक्शंस फास्ट करने के लिए, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जब तक ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगी तब तक रिएक्शन नहीं होगी। हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था 11th क्लास में, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए शुरू शुरू में इनिशियल स्टेज में आपको एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ती है, ठीक है। यहां पे एक चीज भी नोट करोगे आप नोटबुक पे, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, टेम्परेचर वाले पॉइंट पे,
टेम्परेचर वाले पॉइंट में ये चीज नोट करो, इट इज एक्सपेरिमेंटली जनरली ऑब्जर्व दैट विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल. इट इज जनरली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट विद एवरी 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल. हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है. एक बार इस पे जेई मेंस में क्वेश्चन भी आया था, सुनना ध्यान से क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर जो है वो इमेजिन करना. कहा गया था विद एवरी 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल. हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो रही है. बताओ 50 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मैं नहीं बताऊंगा, आप सीधे आंसर बताइए. बताओ विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल. तो 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 100 टाइम्स. नहीं नहीं एक सेकंड, 10 डिग्री पे डबल हो रहा है ना. हाँ, तो 50 डिग्री पे रिएक्शन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक मिनट, 50 डिग्री बढ़ाया. डबल ही रहेगा. देखो 10 डिग्री पे डबल, 20 डिग्री पे डबल, 30 डिग्री पे डबल, 40 डिग्री पे और डबल. हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो रही है. 50 डिग्री पे और डबल, 32 टाइम्स रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. 32 टाइम्स, ठीक है, चल ही पड़ता है. चाहे आप इंक्रीज करो चाहे नेचर इंक्रीज करे, शुरू शुरू में एनर्जी चाहिए ही चाहिए. ये इस यूनिट में हम आगे भी पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, हाउ अ रिएक्शन टेक प्लेस, उसमें हम ये चीज करेंगे. टेम्परेचर वाला पॉइंट वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. कुछ थर्मोडायनेमिक्स वाली चीजें, कुछ 11th वाली चीजें हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे. थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, ये भी रीडिंग वाला ही है, प्रेशर. प्रेशर वाले पॉइंट का इफेक्ट सिर्फ गैसेस रिएक्शंस के लिए होगा. जब रिएक्टेंट्स गैसेस हों, लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं है, सॉलिड्स पे कोई इफेक्ट नहीं है. फॉर गैसेस ऐसे लिख लेना, फॉर गैसेस रिएक्टेंट्स ओनली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. क्यों? प्रेशर अप्लाई करोगे, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तभी तो रिएक्शन होगी, तभी तो रिएक्ट करेंगे आपस में, तभी तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगी. एक गैस का मॉलिक्यूल यहां है, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल यहां है, जब वो आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे तो रिएक्शन कैसे? ठीक है, तो एक सिंपल सा पॉइंट ये भी है. कैटलिस्ट के बारे में सभी जानते हैं, कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ. इसके बारे में भी आगे डिटेल में हम करेंगे ये चीज. कैटलिस्ट फिलहाल तो बस यही रखिए कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है. इसकी जनरल ऐसी डेफिनेशन है, कैटलिस्ट एल्टर्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड चेंज कर देता है. एक्चुअली कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज कर देते हैं या रिएक्शन को स्टॉप ही कर देते हैं, लेकिन आजकल हमने उसको क्लासिफाई करके उनके अलग अलग नाम रखते हैं, पॉइजनस कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट वर्ड का मीनिंग यही है कि वो रिएक्शन की स्पीड फास्ट करता है. बाकी डिटेल में विद मैकेनिज्म हम इसे आगे पढ़ेंगे. ये पॉइंट जो है बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी पॉइंट से आपका आगे का टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा. इस पॉइंट से आपका आगे का यूनिट चलेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अगेन 11th क्लास, अगेन इक्विलिब्रियम चैप्टर. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, एक लॉ है रेट लॉ, स्पीड का लॉ, इक्विलिब्रियम चैप्टर में किया था हमने ये. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रिएक्शन की स्पीड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझा था, तब हमने ये चीज की थी.
अगेन मैं उसी एग्जांपल से समझाता हूं, देखना ध्यान से, शुगर प्लस वाटर की एग्जांपल, और सपोज करना शुगर और वाटर रिएक्टेंट्स हैं। सपोज कीजिए शुगर और वाटर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके स्वीट वाटर बना रहे हैं। ये रियल में रिएक्शन की एग्जांपल नहीं है, इट इज अ प्रोसेस, क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, स्वीट वाटर में अभी भी H2O है। लेकिन लेट सपोज करो, सपोज कीजिए कि शुगर और वाटर जो है वो रिएक्टेंट है और वो स्वीट वाटर बना रहे हैं, ठीक है, वो स्वीट वाटर बना रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी, गर्म पानी में शुगर जल्दी डिजोल्व होता है, रिएक्टेंट का नेचर, इसको पाउडर फॉर्म में ले लो तो जल्दी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, खुद इमेजिन कीजिए जरा, एक गिलास पानी, एक चम्मच शुगर, एक टब भर के पानी, एक चम्मच शुगर, कहां जल्दी डिजोल्व हो जाएगा? एक गिलास पानी, एक चम्मच शुगर, एक टब भर के पानी ले लिया, एक चम्मच शुगर, टब भर के पानी लिया, मिक्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मिक्स डिजोल्व हो जाएगा। तो वाटर का अमाउंट बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, प्रोडक्ट जल्दी मिल जाए। एक और एग्जांपल, अब एक काम करते हैं, शुगर का अमाउंट बढ़ाते हैं, एक गिलास पानी, एक चम्मच शुगर, एक गिलास पानी, 20 चम्मच शुगर, तो फिर से सुनो ध्यान से, एक गिलास पानी, एक चम्मच शुगर, दूसरा एक और गिलास पानी, 20 चम्मच शुगर, बताओ जी प्रोडक्ट कहां पे जल्दी मिलेगा, फास्ट एक्शन कौन सी होगी? एक चम्मच में, ट्राई करना घर में, एक गिलास पानी, एक चम्मच शुगर, एक गिलास पानी में 20 चम्मच शुगर डालना। जब 20 चम्मच शुगर डालोगे ना एक गिलास पानी में, उसको मिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको टेस्ट करना, वो पहले से ही मीठा हो गया होगा। 20 चम्मच डिजॉल्व होने में जरूर टाइम लगाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, मीठा पानी, वो जल्दी बन जाएगा। रिएक्टेंट ये बढ़ाओगे तो स्वीटनेस जल्दी आ जाएगी, रिएक्टेंट ये वाला बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी जल्दी हो जाएगी। कोई भी रिएक्टेंट बढ़ाओ, रिएक्शन की स्पीड फास्ट होनी होनी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एक लॉ है, ये लॉ आपने लिखना है और इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। नोट कर लिया, ये नोट किया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बाकी सारे ये पॉइंट्स बच्चों आप अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो, ठीक है जी। अब मैं ये फिफ्थ पॉइंट को एक बार फिर से लिख रहा हूं, ध्यान देना, देखिए मान लीजिए ये रिएक्टेंट्स हैं, R gives P, ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये रिएक्टेंट्स डिक्रीज होंगे, ये प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसेंट्रेशन फिर से वही स्क्वायर ब्रैकेट्स में, मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी के हिसाब से। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, इक्वल टू लगाइए, तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये एक नई इक्वेशन आपके सामने आ गई जो हमने 11th में की हुई है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, लेकिन इस इक्वेशन में हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ये आर क्या है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उस टाइम पे जिस टाइम पे आप रिएक्शन की स्पीड निकाल रहे हो उस टाइम पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये आपके लिए नया वर्ड है, 12th में नया वर्ड है, 11th में तो ये भी किया हुआ है, इसे हम कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट, स्पीड का कॉन्स्टेंट, अलग टॉपिक होगा इसके लिए भी आगे, मतलब अब आगे के टॉपिक यहीं से चलेंगे, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन भी नोट कर लीजिए, अभी मैं इसकी एक और एग्जांपल बताता हूं।
आर इज रेट ऑफ रिएक्शन, के इज रेट कॉन्स्टेंट, देखेंगे इसके बारे में क्या रेट कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू कहां से लानी है हमने, और ये है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप रिएक्शन की स्पीड निकाल रहे हो उस टाइम पे रिएक्टेंट्स कितने हैं। अगर इनिशियल स्पीड निकाल रहे हो तो इनिशियल कंसेंट्रेशन लिखनी है रिएक्टेंट्स की। अगर 10 सेकंड्स के बाद स्पीड निकाल रहे हो तो जो रिएक्टेंट्स तब उस टाइम पे वहां पे बचे हुए हैं, लेफ्ट बिहाइंड रिएक्टेंट्स हैं, वो कंसेंट्रेशन लिखनी है। ठीक है, इसका पूरा ध्यान रखना है। और सही प्रैक्टिस तो क्वेश्चन से ही होगी बच्चों, न्यूमेरिकल से ही होगी सही प्रैक्टिस। चलिए एक एग्जांपल और जल्दी से डिस्कस करते हैं हम बच्चों, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई 11th की चीज, कोई कहे कि मैंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, मुझे 11th नहीं आती, तो भी चलेगा, तो भी अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर से एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। बताइए जी रिएक्टेंट कौन है इसमें, रिएक्टेंट कौन है, ए प्लस बी, प्रोडक्ट कौन है, सी प्लस डी, डिक्रीज कौन होंगे, इंक्रीज कौन होंगे, बताओ रिएक्शन की स्पीड निकालने के, जो इस यूनिट में करना ही है हमने, पूरा यूनिट इसी पे डिपेंड है, रिएक्शन की स्पीड निकालने के कितने फॉर्मूले बन सकते हैं यहां से आपके पास, यहां से अब आपके पास 5 फॉर्मूलेज बन सकते हैं, कितने 5 फॉर्मूलेज बन सकते हैं। देखो कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम, लास्ट टाइम की क्लास है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम, लास्ट टाइम की क्लास है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सी विद टाइम, लास्ट टाइम की क्लास है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ डी विद टाइम, ये भी लास्ट टाइम की क्लास है। और अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, कंसेंट्रेशंस मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई ही होती है, मोल्स ऐड हो सकते हैं मोलैरिटी में। रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ये वही रेट लॉ जो भी अभी इससे पहले मैंने बताया। तो अब आपके पास 5 फॉर्मूले हैं, आप ए के हिसाब से स्पीड निकाल सकते हो, आप बी के डिक्रीज के हिसाब से स्पीड निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, आप सी के हिसाब से स्पीड निकाल सकते हो, आप डी के इंक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन के हिसाब से स्पीड निकाल सकते हो, या तो आपके पास के की वैल्यू हो और ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, चेंज इन कंसेंट्रेशन नहीं, जो उस टाइम पे उसकी कंसेंट्रेशन है वो कंसेंट्रेशन कितनी है ए की, बी की कंसेंट्रेशन कितनी है उस टाइम पे जिस टाइम पे आप स्पीड निकाल रहे हो, आर निकल जाएगा। तो अब आपके पास 5 फॉर्मूलेज हैं, ध्यान रखना, क्लियर हुआ ये 5th पॉइंट जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये चीज क्लियर हुई, ये क्लियर हुई तो यहीं से आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, क्लियर है। 5 फॉर्मूलेज हैं इसके, यहां पे इन फॉर्मूले में और इन फॉर्मूले में डिफरेंस है, यहां आप चेंज इन कंसेंट्रेशन लिख रहे हो एक ही, यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ ए लिख रहे हो, यहां पे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी लिख रहे हो, यहां कंसेंट्रेशन ऑफ बी लिख रहे हो, यहां पे टाइम जरूरी है, यहां टाइम जरूरी नहीं है, हाँ के की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो अलग से एक टॉपिक है हमारे लिए, क्लियर पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स एक बार जरूर पढ़ने हैं, ठीक है, कोई पता नहीं वहां से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और उसके क्वेश्चंस भी लॉजिकल क्वेश्चंस, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, देखना ध्यान से, मैं 2 टॉपिक अब एक साथ आपको करवाऊंगा, यहां पे लिख लेता हूं हेडिंग, एक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और एक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, बात रिएक्शन की ही करेंगे, बात रिएक्शन की स्पीड की करेंगे,
ठीक है, लेकिन एक एक करके इनका मीनिंग समझिए। मीनिंग भी समझोगे साथ साथ में डिफरेंस भी हो जाएगा। बाकी कोई पॉइंट मिस हो गया तो स्टडी मटेरियल से जरूर देख लेना एक बार, या बुक से देख लेना। मॉलिक्यूलरिटी सिंपल है बच्चों, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करने हैं। 2 टाइम्स NH3 गिव्स अस N2 प्लस H2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2, सिंपल। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, अगर H2 और O2 एक एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी टोटल 2 हो गई, सिंपल। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सिंपल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस वर्ड को समझो। इट इज सही में यही टॉपिक आपने समझ लिया, इसमें कुछ खास नहीं है। इट इज द सम ऑफ पावर्स रेज्ड बाय कंसेंट्रेशन टर्म्स, रेज्ड बाय कंसेंट्रेशन टर्म्स। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, R gives us P. रिएक्टेंट कौन है? प्रोडक्ट। डिक्रीज कौन होगा? प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी 1। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी 1। ऑर्डर देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला था? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यही फॉर्मूला था। इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या है? बस बच्चों इसी को हम ऑर्डर कहते हैं, मैथमेटिकल है थोड़ा सा। इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, वो कैसे निकालनी है? एक्सपेरिमेंट से निकालनी है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी रिएक्शन ले लो ना, अपने से कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, NH3 2 टाइम्स गेजस N2 प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस करके लिख लो 3 टाइम्स, तो आप बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3, जो कोफिशियंट है वही पावर में लिख दो। नहीं भाई, आज तक लिखते थे, अब नहीं लिख सकते, हमें पता ही नहीं है कि इसकी पावर 2 आनी है या नहीं आनी है, ठीक है। हमें ये पता ही नहीं है इसकी पावर आनी है या नहीं आनी है, और आनी है तो कितनी आनी है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको पावर निकालनी है। अब मैं समझाता हूं कैसे आपने ये ऑर्डर निकालना है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसको मिटा दूं मैं, ये अमोनिया वाला। पावर हम बगैर एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको इमेजिनेशन में एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है, आपने एक कंटेनर में लेना है हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, एक कंटेनर में ले लीजिए, और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो आपस में रिएक्ट होके HCl बनाता है, अगर बैलेंस कर लो तो ऐसे होगा, ठीक है जी। आप बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। पावर अपने से नहीं लिखना। अब मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं, फिर आप मैथमेटिक्स यूज करके फिर आप यहां पे पावर अपने से लिखना। सुन लो पहले ध्यान से, एक्सपेरिमेंट है, इमेजिन करो आपने एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस ली और उसको एक डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे में बंद करके रख दिया, There will be no formation of HCl, कोई HCl नहीं बनेगा, HCl की कोई प्रिपरेशन नहीं होगी। हमें कहा गया है जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स उतनी फास्ट रिएक्शन,
जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स उतनी फास्ट रिएक्शन, पढ़ा ना अभी। तो हमने क्या किया, उस अंधेरे कमरे में जाके, उस डार्क रूम में, उस कंटेनर में हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा दिया, H2 और ज्यादा एक्स्ट्रा H2 डाला, हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा दिया, कोई HCl नहीं बन रहा। हमने उस डार्क रूम में जाके क्लोरीन का अमाउंट बढ़ा दिया, क्योंकि हमें कहा गया था जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स उतनी फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन का इधर रिएक्शन ही नहीं हो रही। हमने हाइड्रोजन बढ़ाया, हमने क्लोरीन बढ़ाया, हमने दोनों बढ़ा दिए, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। हमने उस कंटेनर को उठाया और सनलाइट में रख दिया, H nu सनलाइट में रख दिया, ऐसे लिखते हैं ना सनलाइट को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। H2Cl2 वाले कंटेनर को उठा के सनलाइट में रख दिया, HCl बनना स्टार्ट हो गया फास्ट स्पीड से, क्योंकि HCl की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। तो बताओ क्या रिएक्शन की स्पीड H2 पे डिपेंड की? नहीं। क्या रिएक्शन की स्पीड क्लोरीन पे डिपेंड की? नहीं। इनको बढ़ाने से तो रिएक्शन ही नहीं हो रही थी, सनलाइट से हो रही थी। अब मैथमेटिकली बताओ क्या ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए? क्या हाइड्रोजन को बढ़ाने से स्पीड बढ़ी? नहीं। तो मैथमेटिकली मैं इनकी पावर 0 लिखूंगा, क्लोरीन की पावर 0 लिखूंगा। किसी की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 मतलब 1, मतलब कांस्टेंट, रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट। हाइड्रोजन बढ़ाया, रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट, क्लोरीन बढ़ाया, रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट। तो बच्चों इनकी पावर क्या आ रही है? 0। दोनों पावर्स को ऐड करो तब भी आंसर क्या आएगा? 0। इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ये होता है ऑर्डर। अभी और एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है? समझाने के बाद ही हम यहां से जाने देंगे आपको। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करता हूं, पहले इसे मिटाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करता हूं, सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूं। ए गिव्स अस बी, रिएक्टेंट कौन है? ए। डिक्रीज कौन होएगा? ए। रिएक्शन की स्पीड डिपेंड किस पे करेगी? ए पे। मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 1। ऑर्डर कितना है आप नहीं बता सकते, विदाउट एक्सपेरिमेंट आप बता नहीं सकते। चलो एक्सपेरिमेंटल डाटा सुन लो, मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा बताता हूं, आप ऑर्डर, आप पावर बताना। ए को, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ए की कंसंट्रेशन जितनी थी उसको डबल कर दिया, बढ़ा दिया रिएक्शन की स्पीड पे, इसकी इसमें कन्वर्ट होने की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको 3 times इंक्रीज कर दिया, ट्रिपल कर दिया, रिएक्शन की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो रिएक्शन की स्पीड पहले थी वही रही। इसको 10 times इंक्रीज कर दिया ए को, रिएक्शन की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बताओ, इक्वेशन तो मैंने बना ली, अब इक्वेशन को पूरा करो मैथमेटिकली। मैं ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखूं? 0। इसको बढ़ाने से स्पीड पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल, एक्स गिव्स अस वाई, एक और एग्जांपल देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। मॉलिक्युलरिटी 1 है, मॉलिक्युलरिटी 1 है, लेकिन ऑर्डर के लिए मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा बताता हूं। आप जब एक्स की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, अगर इसको डबल कर रहे हो तो रिएक्शन की स्पीड, इसमें इसकी कन्वर्ट होने की स्पीड भी डबल हो रही है। इसको 3 times इंक्रीज किया, रिएक्शन की स्पीड भी 3 times इंक्रीज हो गई। इसको 4 times इंक्रीज किया, रिएक्शन की स्पीड भी 4 times इंक्रीज हो गई। तो मैथमेटिकली इसकी पावर 1, जितना ये बढ़ा रहे हो उतना ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान रहे, ऑर्डर विदाउट एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ डाटा तो क्वेश्चन में दे ही रखा होगा, ठीक है? एक एग्जांपल और बता देता हूं, एक एग्जांपल और देखिए। रिएक्टेंट्स गिव्स अस प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। According to rate law, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. इसकी molecularity 1 है, लेकिन order हम निकालेंगे, order हम निकालेंगे। बताओ जी, अगर मैं reactants को double कर रहा हूँ, experimental data है, अगर मैं reactants को double कर रहा हूँ तो reaction की speed 4 times increase हो रही है।
इसको डबल किया ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, इसको ट्रिपल किया ये 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो मैथमेटिकली पावर क्या है 2, इट इज सेकंड ऑर्डर एक्शन। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, 1.5 ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, रिएक्शन की मर्जी है भाई वो कैसे होगी, उसको बढ़ा के कितनी रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग ऑर्डर निकाल सकते हो। अब ऑर्डर समझ आया, अब इसके क्वेश्चंस करने हैं, अभी क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, लेकिन पहले ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मॉलिक्युलरिटी, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, लेकिन ऑर्डर है सम ऑफ द पावर्स रेज्ड बाय कंसंट्रेशन टर्म्स। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ही नहीं कोई। मॉलिक्युलरिटी जीरो का मतलब तो ये हुआ ना, रिएक्टेंट कोई है ही नहीं। Is it possible? नहीं, ऑर्डर जीरो हो सकता है, अभी देखा आपने। रिएक्शन की स्पीड कैटलिस्ट पे डिपेंड कर सकती है, रिएक्शन की स्पीड सनलाइट पे डिपेंड कर सकती है, रिएक्शन की स्पीड टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर सकती है, जरूरी नहीं कि वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करे। इसलिए ऑर्डर मे भी जीरो, ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर मे भी जीरो। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती बच्चों, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझते हो ना, 1.5, 2.5, 3.5, मॉलिक्यूल्स ऐसे आधे करके काट के नहीं ले सकते आप, डेढ़ मॉलिक्यूल ले लिया, साढ़े तीन मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल ले हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। जो आप वो करते हो ना रिएक्शन बैलेंसिंग, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स अस H2O, वो हाफ मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल को हाफ नहीं कर सकते, वो हाफ मोल्स है, हाफ मॉलिक्यूल नहीं है, वो हाफ मोल है, 6.022 इंटू 10^23 का हाफ। तो मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शन में, ऑर्डर की वैल्यू 1.5, पावर की वैल्यू 3.5, 2.5 ये भी हो सकती है, ऑर्डर मे बी इन फ्रैक्शन, में भी इन फ्रैक्शन, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, सिंपल रिएक्शन को देख के ही आप मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो, लेकिन ऑर्डर बगैर एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है जी, और भी अगर कुछ पॉइंट्स वगैरह होंगे ऐसे, या कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको स्टडी मटेरियल से समझ नहीं आएगा तो बताना, ये मेन पॉइंट्स हैं। तो अब खुद ही समझ लीजिए हमारा टॉपिक क्या है आगे का, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। अब पूरे यूनिट में बस यही चलेगा, स्पीड तो है ही है, स्पीड स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा है ये चीज, स्पीड तो है ही है, लेकिन अब हमने इस ऑर्डर को पकड़ के रखा है। मॉलिक्युलरिटी कुछ खास नहीं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है जी, तो थोड़ी सी ऑर्डर की प्रैक्टिस कर लें। आप हाफ आ गए थे, मतलब पीछे हो गए थे थोड़े। कोई बात नहीं। ये पूरा दिख रहा है ना, मेरा दिखना जरूरी नहीं है। हाँ सर, ये तो क्लियर है, बहुत क्लियर है। अभी एक बनाई भी है मैंने वीडियो, दिखाऊंगा मैं आपको। आधे घंटे की हो गई है। बस थोड़ा सा ऑर्डर की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार मैं ऐसे ही बनाते गया 47 मिनट्स की बन गई थी। ठीक है, बनाते गया और जैसे मैंने बंद किया ना तो देखा उसी टाइम पे वो भी बंद हुआ, हीट हो गया था फोन, तो अपने आप बंद हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप क्वेश्चंस अभी आपको मैं होमवर्क दूंगा। एक रिएक्शन है, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई गिव्स अस
प्रोडक्ट P. 2 टाइम्स x प्लस y गिव्स अस प्रोडक्ट P. अब सुनना, अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं. x को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो रही है. x को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो रही है. y को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. By increasing the concentration of x by 2 times, the reaction of speed, the speed of the reaction also increases by 2 times. But by increasing the concentration of y, there will be no effect on rate of reaction, speed of reaction. Write rate equation. Rate equation likho. Rate equation R is directly proportional to concentration of x, concentration of y. ये equation लिखो. Power बताओ. X को double करने से speed double हुई, तो x की power क्या आई? 1. Y को double करने से speed पे कोई effect नहीं पड़ा. Y को double करने से speed पे कोई effect नहीं पड़ा, तो y की power 0. R is equal to K into X raised to power 1 into Y raised to power 0. ये rate equation आ गई. बताओ जी, इस rate equation के हिसाब से overall order क्या हुआ? Overall order of reaction. The sum of powers. 1 plus 0 is equal to 1. ठीक है जी? Sum of powers. ये इसका order. Clear? एक दो question और discuss करूं? देखिए, एक क्वेश्चन और. X gives us y. With respect to x, the order is 2. पहले से दे रखा है. With respect to x, the order is 2. ठीक है? x का पावर जो है वो 2 है. ये पहले से ही क्वेश्चन में बोल रखा है. अब पूछा गया है हाउ द स्पीड इफेक्टेड इफ यू विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ x बाय 2 टाइम्स. अगर x को डबल कर दोगे तो रिएक्शन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले आप इक्वेशन बनाओ. यही इक्वेशन बनेगी भाई. ऑर्डर पहले से दे रखा है 2. R इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 2. कहा जा रहा है इसको डबल करोगे तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसको डबल करोगे, 2 टाइम्स करोगे, 2 का पावर 2, 4 क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. तो आप लिखोगे 4 टाइम्स द रिएक्शन ऑफ द स्पीड इंक्रीजेस. हाउ इज द रेट इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x बिकम्स हाफ. अगर x की कंसंट्रेशन आप हाफ कर दोगे तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाफ 1 बाई 2 रेज टू पावर 2. पावर पहले से लिखना, रेज टू पावर 2, तो 1 बाई 4, रिएक्शन की स्पीड 1/4 हो जाएगी. समझ आया ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे करने हैं? ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस करना, कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा. क्लियर?